The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Dr. Shrikant Varma classes and make your MBBS next NEET PG dreams come true. Download the app now. The famous dialogue, Jani ye chaku hai, lag jaye to khoon nikal aata hai. Yes, this is one very famous dialogue. Again, I want to recall you the great dialogue delivery person, Raj Kumar. Okay? So we are going to look this table from our Reddy sir textbook और हम देखने जा रहे हैं कि कोई इंजुरी सुसाइडल कट इंजुरी है या फिर किसी ने उसका मर्डर का कोशिश किया हुआ है. तो कम टू दिस टेबल फ्रॉम द रेड्डी सर, एक एक करके. ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है. यस, मार्क दिस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द थ्योरी एग्जाम, फॉर द एमसीक्यू एग्जाम. ओके, यू कैन क्रैक द नीट पीजी, यू कैन क्रैक द योर INICET, FMG, USMLE, एनी एग्जाम. तो सबसे पहले हम देखते हैं सुसाइडल कट इंजुरी सिचुएशन कहां पर होता है. राइट टू अंडरस्टैंड, अगर कोई आदमी सुसाइड की कोशिश करता है तो जनरली, फिर से मैं आपको याद दिला दूं, मैक्सिमम पीपल दे आर राइट हैंडर पर्सन, तो वो चाकू को राइट हैंड में पकड़ेंगे. तो लाश जब मिलेगी सुसाइड के बाद, तो उसके हाथ में, राइट हैंड में चाकू मिल सकता है. दूसरी चीज, यस, वो जब खुद का सुसाइड कर रहा है तो लोगों के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है, मरते समय भी क्यूरियोसिटी होती है. जनरली वो आईने के सामने खड़े होते हैं, तो साइट ऑफ क्राइम में आपको आईने के सामने में खून के धब्बे नजर आ सकते हैं. दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यस, चाकू वो पकड़ा, आईने में देख रहा है और उसने गले को एक्सटेंड किया. ओके, फिर से वही चीजें आ रही हैं, गले को उसने एक्सटेंड किया तो आपको इंजुरी जनरली, यस, कहां पर मिलेगी? अबव द थायराइड कार्टिलेज. ओके, अगली चीज, उसने इंजुरी किया, यस, राइट हैंडेड पर्सन है तो लेफ्ट साइड से वो कट करेगा, तो लेफ्ट साइड में वो हाथ ले जाएगा और ऑब्लिकली नेचर में, आप खुद सोचिए हाथ कैसे चलेगा ऑब्लिकली, तो दिस इंसिजन विल बी ऑब्लिक इन नेचर. और जब ऑब्लिक चल रहा है तो मिड लाइन के ऑपोजिट में वो इंजुरी नहीं कर पाएगा. सो ओनली इट इज रीचिंग अप टू द मिड लाइन और स्लाइटली क्रॉसिंग द मिड लाइन, और इट कैन नॉट क्रॉस द मिड लाइन ऑल्सो. और अगली चीज, कोई भी आदमी जब कट करेगा तो एक बार में कट नहीं करेगा, मल्टीपल छोटे छोटे कटिंग के निशान आपको रहेंगे, हेजिटेशन मार्क रहेगा. तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट. यस, इट इज ऑन द लेफ्ट साइड, डिस्कस कर चुके हैं, पासिंग अक्रॉस द फ्रंट ऑफ द थ्रोट, तो ये हमारे गले के सामने से जा रहा है, रेयरली ऑन द बोथ साइड. यस, कभी भी आदमी इधर कट किया, चलो अभी इधर भी कट कर देता हूं, डिजाइन बनाता हूं, ऐसा नहीं रहेगा. ओके, लेवल की बात करेंगे तो ये आदमी जो है गला ऊपर उठा के कर रहा है, इसलिए थायराइड कार्टिलेज के ऊपर. डायरेक्शन की बात करेंगे तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट आपको मिलेगा इन द राइट हैंडेड पर्सन. अगर आदमी लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट, तो उस कंडीशन में राइट टू लेफ्ट आपको मिल सकता है. सम टाइम्स हॉरिजॉन्टल कट आपको देखने के लिए मिलेंगे फ्रंट ऑफ द नेक में. ओके, फाइन. नेक्स्ट, नंबर ऑफ द वुंड की बात करते हैं, तो कोई सुसाइड कर रहा है तो एक बार में गला काटना बहुत मुश्किल है, मल्टीपल, कभी कभी 20 से 30 टाइम सुपरफिशियल मार्क्स आपको देखने के लिए मिलेंगे. दीज आर नोन एज टेंटेटिव मार्क्स, दीज आर नोन एज हेजिटेशन मार्क्स. आदमी को हेजिटेशन होता है खुद का गला कट करने में. ओके, एजेस की बात करेंगे तो वो हल्का हल्का मार्क कर रहा है, तो इसलिए रैग्ड मार्जिन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं और उसके बीच में ओवरलैपिंग नजर आ सकती है. हेजिटेशन कट, यस, डेफिनेटली इट इज प्रेजेंट. टेलिंग, जब वो कट करेगा तो शुरू का पार्ट मोटा रहेगा और लास्ट का पार्ट नैरो रहेगा, इसलिए टेलिंग जो है वो प्रेजेंट रहेगा. सीवियरिटी की बात करेंगे तो याद रखेंगे, आदमी खुद का गला कट कर रहा है, ज्यादा सीवियर नहीं है, कोई दूसरा कट करेगा तो अच्छे से कट करेगा. ओके, सो यूजुअली लेस सीवियर. वन वुंड मे बी एक्सट्रीमली डीप, एक जब गला कट किया तो एक इंजुरी वो डीप रहा, इन फिर डर गया और वो अगली इंजुरी जो है वो ज्यादा डीप नहीं कर पाएगा. एक्सटेंडिंग अप टू द सर्वाइकल वर्टिब्री बट समटाइम्स 2 or 3 ओनली. ओके, वुंड्स इन द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो आप यहां पर देखेंगे कि वो आदमी जब सुसाइड कर रहा है तो और कहां कहां चाकू से कट कर सकता है, उसका हाथ कहां जाएगा, पीठ में, कभी नहीं, ये बहुत मुश्किल है. तो वो जनरली रिस्ट कट कर सकता है, फोर आर्म कट कर सकता है, इसी तरीके से कुछ एसेसिबल एरिया जहां उसका हाथ आसानी से जा सकता है वहां कट करेगा. यस, रिस्ट में कट करेगा, ग्रोइन में कट कर सकता है, थाई में कर सकता है, एंकल में, नी में, लेकिन बैक ऑफ द नेक,
ऐसा कोई पीछे से गला नहीं कट करता, ओके, डिफेंस वुंड, खुद का गला कट किया है तो आसपास के एरिया में या उसके बॉडी में कहीं पर भी सुरक्षा के निशान नहीं मिलेंगे। जब कोई मेरा मर्डर कर रहा है तो मैं लड़ाई करूंगा कि मुझे मत मारो, तो डिफेंस वुंड आपको मेरी बॉडी में देखने के लिए मिल सकता है। गेटिंग द पॉइंट? नाउ हैंड्स की बात करेंगे, तो जब किसी ने सुसाइड किया है, याद रखेंगे मरने के बाद कैडेवर की स्पाज्म होता है, ओके, और चाकू जो है उस आदमी के डेड बॉडी के हैंड में मिल सकता है। अगर वो राइट हैंडेड पर्सन है तो राइट हैंड में, लेकिन याद रखेंगे अगर वो लेफ्ट हैंडेड पर्सन है तो लेफ्ट हैंड में चाकू मिलेगा। तो नेक्स्ट, इट इज ड्यू टू द कैडेवरिक स्पाज्म फर्मली ग्रैस्प। वीपन की बात करेंगे तो अगर सुसाइड हुआ है तो वहां पर आपको वीपन मिलेगा, लेकिन याद रखेंगे अगर किसी ने मर्डर किया है तो वो धोखा देने की कोशिश करता है और वो चाकू को लाश के हाथ में पकड़ा के जाता है। लेकिन याद रखना कि हर अपराधी कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है, जल्दबाजी में उसने लेफ्ट हैंड में तो नहीं पकड़ा दिया है और पता चल रहा है वो आदमी राइट हैंडेड है। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिससे आप पता कर सकते हैं इंजुरी होमिसाइड है और सुसाइड है। वेसल्स की बात करेंगे, हेड इज थ्रोन बैक, यस, आदमी गले को पीछे की तरफ करके कट करता है। कैरोटिड आर्टरी इज ड्रॉन बीनीथ स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड, जब वो कट करेगा तो स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड के नीचे आर्टरी आ सकती है अगेंस्ट द स्पाइन एंड यूजुअली स्कैप्स इंजुरी, ओके, अगेंस्ट द स्पाइन आ सकती है और कभी कभी ये इंजुरी को कैप भी कर सकती है। ब्लड स्टेन, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मिरर के सामने में आपको खून के छींटे नजर आ सकते हैं, ओके, क्लॉथ्स में, कपड़े में ये खून जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ बहता हुआ नजर आ सकता है, क्लॉथ्स, ओके, तो कपड़े जनरली नहीं कटे रहते, लेकिन अगर किसी ने किसी की हत्या की है, किसी ने किसी को कट इंजरी पहुंचाई है, मारा है, कंडीशन में डेड बॉडी में फटे हुए कपड़े मिल सकते हैं, लेकिन अगर कोई खुद को सुसाइड कर रहा है तो फटे हुए कपड़े नहीं मिलेंगे। सरकमस्टेंस इवेंट, तो आप देखेंगे अगर मैं सुसाइड कर रहा हूं तो आसपास में जो सामान है वो बिखरा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन अगर किसी ने किसी को मारा है तो उस रूम में आसपास में लड़ाई के निशान रहेंगे, आसपास की चीजें तहस नहस हो सकती हैं, ओके, यस, और अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो जनरली वो खुद को रूम में बंद करके सुसाइड करता है, बाथरूम में बंद करके सुसाइड करता है, ओके, और वो सुसाइड नोट लिख सकता है, यस, फेयरवेल लेटर, ये सारी चीजें मिल सकती है। तो इतने 16 पॉइंट आपके सामने रेड्डी सर ने रखे हुए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप पहचान सकते हैं कि कोई लाश जो है वो सुसाइड के कारण है या मर्डर के कारण। चलिए एक नजर डालते हैं हम होमिसाइड वुंड पर, तो आप देखते हैं पहला पॉइंट सिचुएशन, अगर किसी ने किसी की हत्या की है, कटिंग की है, तो आपको राइट में भी कट मिल सकते हैं, लेफ्ट में भी कट मिल सकते हैं, ओके, यस, लो बिलो द थायराइड कार्टिलेज, अगर कोई किसी की हत्या करेगा तो क्या सिचुएशन होगा, पीछे से जाएगा और जब वो कट कर रहा है तो विक्टिम जो है वो अपना गला छुपाने की कोशिश करेगा, ऐसा थोड़ी कि ले गला और ले काट ले, नो, ऐसा कभी नहीं रहेगा, गला छुपाने की कोशिश करेगा तो जो कट इंजरी है वो थायराइड के जनरली नीचे मिलेगा, और कोई पीछे से कट कर रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको मिलेगा, ट्रांसवर्स मिलेगा, ओके, यस, या फिर बिलो टू अपवर्ड भी मिल सकता है, लेकिन जनरली ट्रांसवर्स आपको देखने के लिए मिलेगा। यस, अटैक्ड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द विक्टिम, वुंड्स रन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, अगर कोई राइट साइड में है तो इंजुरी जो है लेफ्ट टू राइट, अगर पीछे है तो वो सुसाइडल वुंड की तरह मिमिक कर भी सकता है। यस, यू विल सी द नंबर ऑफ द वुंड, अगर कोई किसी को मार रहा है तो एक इंजुरी नहीं मल्टीपल इंजुरी मिल सकती है, ओके, और ये डीप लेवल पे रहेगी, फाइन। अगली चीज एजेस की बात करें, शार्प कट रहेगा, क्लीन कट रहेगा, प्रीवेलिंग हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेजिटेशन कट, अगर मैं किसी को मार रहा हूं तो एक दो हेजिटेशन कट कभी देने की नहीं सकता, टेलिंग कभी नहीं रहेगी, जस्ट ऑपोजिट यू कैन रिमेंबर, ओके, तो हेजिटेशन मार्क इज एब्सेंट एंड टेलिंग इज एब्सेंट। नेक्स्ट पॉइंट सीवियरिटी, सीवियरिटी की बात करेंगे तो अगर किसी ने किसी को मारा है, होमिसाइड हुआ है, बहुत सीवियर तरीके से आपको इंजुरी देखने के लिए मिलेंगे, इवन वर्टिब्रा भी कट सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वुंड्स इन द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो आप देखेंगे कोई भी वुंड रिस्ट में नहीं रहेगा, मैक्सिमम कट इंजुरी हेड एंड नेक, जो भी डेंजरस एरिया है, जो भी
ऐसे पार्ट है जहां पर डेथ कंफर्म है, वहां पर इंजुरी रहेगा। अगर कोई किसी को मार रहा है तो चल यार हाथ में कटिंग करता हूं, ऐसा नहीं, सीधे नेक में कटिंग करेगा, सीधे फेस में कटिंग करेगा। ओके, नेक्स्ट डिफेंस वुंड, क्योंकि यहां पर मर्डर की कोशिश हो रही है तो सामने वाला जो है वो खुद को बचाने की कोशिश भी करेगा। नेक्स्ट हैंड्स की बात करेंगे तो फ्रेगमेंट्स ऑफ द क्लॉथिंग हेयर मे बी ग्रैब्स। अगर किसी की, दो लोगों की लड़ाई हो रही है, एक किसी को मारने की कोशिश कर रहा है, तो लड़ाई के दौरान यस जो विक्टिम है उसके हाथ में जो मर्डर करने वाला आया है उसके बाल, उसके कपड़े, कोई ना कोई चीज उसके हाथ में रह सकती है, हाथों को आपको देखना है। ओके, सो यू कैन सी दैट हैंड्स। वीपन, वीपन की बात करेंगे तो अगर किसी का मर्डर हुआ है तो उस सिचुएशन में जो डेड बॉडी उसके हाथ में वीपन जनरली नहीं रहेगा, लेकिन याद रखेंगे कि जो मर्डर करने वाला है वो धोखा देने के लिए डेड बॉडी के हाथ में चाकू या कोई वीपन दे करके जा सकता है। ओके, यस, जुगलर वेन, कैरोटिड आर्टरी, ये कट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, जबकि जब सुसाइड हुआ था तो इनके कट होने के चांसेस बहुत कम थे। नेक्स्ट पॉइंट विच यू कैन रिमेंबर, 14, ब्लड स्टेन। अगर आदमी सो रहा है तो उस कंडीशन में अगर उसका मर्डर हो गया तो ब्लड जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ दोनों साइड गले में आप रहता हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर सुसाइड हुआ है तो वो खून ऊपर से नीचे आएगा, और अगर सो रहा है आदमी तो ऐसा ट्रांसवर्सली रन करता हुआ नजर आएगा। ओके, और ये नेक और शोल्डर में जमा हो जाएगा। स्टेन जो है दोनों पाम में नजर आ सकता है फॉर द विक्टिम अटेम्प्ट्स टू कवर द वुंड। ओके, अगर मान लो किसी का मर्डर हुआ है तो आदमी जो है अगर गला कट गया है तो हाथ से कटे हुए पार्ट को पकड़ेगा तो हाथों में आपको खून नजर आएगा। ओके, नेक्स्ट यू कैन सी क्लॉथ्स की बात करें तो कपड़े जो है वो कटे हुए मिल सकते हैं, इस अरेंज मिल सकते हैं, आंसू आपको मिल सकता है, लॉस ऑफ बटन, यस कपड़े के बटन फटे हुए मिल सकते हैं, टूटे हुए मिल सकते हैं। नेक्स्ट सर्कमस्टांसेस इवेंट, तो जहां पर मर्डर हुआ है तो वहां पर डिस्टर्बेंस उस कमरे में नजर आएगा, लड़ाई झगड़े के निशान नजर आएंगे, चीजें अस्त व्यस्त हो जाएंगी। ओके, ट्रैम्परिंग एंड क्रशिंग ऑफ द वेजिटेबल मैटर एंड श्रब्स के फुटप्रिंट आपको रूम के बाहर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सा टेबल है जो रेड्डी सर की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू ये समझाया, आप खुद इमेजिन कीजिए कि अगर कोई खुद का सुसाइड करेगा तो क्या कोशिश होगी, और अगर कोई किसी को मारने की कोशिश करेगा तो क्या क्या चीज़ें आपको नज़र आ सकती हैं।